को भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी सुनना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था, श्री कृष्ण बताते हैं परिवार में लड़ाई कम करने और प्यार बढ़ाने का उपाय अर्जुन को, उसके बाद अर्जुन का विरोचित उद्गार। तो ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो या प्लेलिस्ट में जा करके। उसके बाद आज का चैप्टर है अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव सेना का संहार, भीमसेन से शकुनी के पराजय एवं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्र का सेना सहित भागकर कर्ण का आश्रय लेना। संजय कहते हैं राजन उधर युद्ध स्थल में शत्रुओं के रथ की गड़गड़ाहट और संगीना सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँकिए। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ये लो मैं बहुत जल्दी उस स्थान पर जा पहुँचता हूँ जहाँ भीमसेन खड़े हैं। जैसे देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर जम्बासुर को मार डालने की इच्छा से मन में भयानक क्रोध भरकर चले थे, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रुओं को जीतने के लिए भयंकर क्रोध से युक्त हो सुवर्ण मुक्ता और मणियों के जाल से आबद्ध हुए हीम और शंख के समान श्वेत कांति वाले अश्व द्वारा यात्रा कर रहे हैं। उसी समय क्रोध में भरे हुए शत्रु पक्ष के पुरुष सिंह वीर रथी घुड़सवार हाथी सवार और पैदल के समूह अपने बाणों की सनसनाहट, पहियों की गड़गड़ाहट तथा टापों के टपटप की आवाज़ से संपूर्ण दिशाओं और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। मान्यवर फिर तो त्रिलोकी के राज्य के लिए जैसे असुरों के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार विजय वीरों में श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन का उन योद्धाओं के साथ घोर संग्राम होने लगा जो उनके शरीर प्राण और पापों का विनाश करने वाला था। उनके चलाए हुए छोटे बड़े सभी अस्त्र शस्त्रों को अकेले किरीट माली अर्जुन ने खूर अर्धचंद्र और तीखे भल्लों से काट डाला। साथ ही उनके मस्तकों भुजाओं छत्रों छबरों ध्वजाओं अश्व रथों पैदल समूह और हाथियों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे सब अनेक टुकड़ों में बढ़कर वे विरूप ही आंधी के उखाड़े हुए वनों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। सोने की जालियों से आच्छादित वैजयंती ध्वजा से सुशोभित तथा युद्धा द्वारा सुसज्जित किए हुए बड़े बड़े हाथी सुवर्णों में पंख वाले बाणों से व्याप्त हो प्रज्वलित पर्वतों के समान प्रकाशित हो रहे थे। जैसे पूर्वकाल में इंद्र ने बलासुर का विनाश करने के लिए बड़े वेग से यात्रा की थी, उसी प्रकार अर्जुन कर्ण को मार डालने की इच्छा से इंद्र के वज्र सहित उत्तम बाणों द्वारा शत्रु के हाथी घोड़े और रथों को वितीर्ण करते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। तदनंतर जैसे मगर समुद्र में घुस जाता है, उसी प्रकार शत्रु का दमन करने वाले पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन ने आपकी सेना के भीतर प्रवेश किया। राजन उस समय हर्ष में भरे हुए आपके रथियों और पैदल सहित हाथी सवार तथा घुड़सवार सैनिक जिनकी संख्या बहुत अधिक थी पांडुपुत्र अर्जुन पर टूट पड़े। पार्थ पर आक्रमण करते हुए उन सैनिकों का महान कोलाहल विशुद्ध समुद्र के जल की गंभीर ध्वनि के समान सब और गूंज उठा। वे महारथी संग्राम में प्राणों का भय छोड़कर बाघ के समान पुरुष सिंह अर्जुन की ओर दौड़े, परंतु जैसे आंधी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने बाणों की वर्षापूर्वक आक्रमण करने वाले उन समस्त योद्धाओं का संहार कर डाला। तब वे महाधनुर योद्धा संगठित हो रथ समूह के साथ चढ़ाई करके अर्जुन को तीखे बाणों से घायल करने लगे। उन हर्ष भरे योद्धाओं ने शक्ति तोमर प्राश कुनप कूट मुदर शूल त्रिशूल परिक मिंदीपाल परशु खड़क हेमदंड डंडे मूछल और हल आदि आयुध द्वारा अर्जुन को सब ओर से ढक दिया। तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के शस्त्र रथों हाथियों और घोड़ों को यमलोक भेजना आरंभ किया। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा समरांगन में मारे जाते हुए कौरव महारथी भय के मारे इधर उधर छिपने लगे। उनमें से 400 वीर महारथी यत्नपूर्वक लड़ते रहे जिन्हें अर्जुन ने अपने पहने बाणों से यमलोक पहुँचा दिया। संग्राम में नाना प्रकार के चिन्हों से युक्त तीखे बाणों की मार खाकर वे सैनिक अर्जुन को छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। युद्ध के मुहाने पर भागते हुए उन योद्धाओं का महान कोलाहल वैसा ही जान पड़ता था जैसा कि समुद्र के महान जल प्रवाह के पर्वत से टकराने पर होता है। मानवर नरेश उस सेना को अपने बाणों से अत्यंत घायल करके भगा देने के पश्चात कुंती कुमार अर्जुन कर्ण की सेना के सामने चले। शत्रु की ओर उन्मुख हुए उनके रथ का महान शब्द वैसा ही प्रतीत होता था जैसा कि पहले किसी सर्प को पकड़ने के लिए छटपटाते हुए गरुड़ के पंख से प्रकट हुआ था। उस शब्द को सुनकर महाबली भीमसेन अर्जुन के दर्शन की लालसा से बड़े प्रसन्न हुए। महाराज पार्थ का आना सुनते ही प्रतापी भीमसेन प्राणों का मोह छोड़कर आपकी सेना का मर्दन करने लगे। प्रतापी वायुपुत्र भीमसेन वायु के समान वेगशाली थे, बल और पराक्रम में भी वायु की ही समानता रखते थे। वे उस रणभूमि में वायु के समान विचरण करने लगे। महाराज प्रजानाथ राजेंद्र उनसे पीड़ित हुई आपकी सेना समुद्र में टूटी हुई नाव के समान पदभ्रष्ट होने लगी। उस समय भीमसेन अपने हाथों की स्फूर्ति दिखाते हुए आपकी उन सेना को यमलोक भेजने के लिए भयंकर बाणों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगे। भारत उस समय प्रलयकालीन काल के समान भीमसेन के अलौकिक बल को देखकर रणभूमि में सारे योद्धा इधर उधर भटकने लगे।
भरतनंदन भयंकर बलशाली अपने सैनिकों को भीमसेन के द्वारा इस प्रकार पीड़ित देखकर राजा दुर्योधन ने उनसे निम्नांकित वचन कहे, पर श्रेष्ठ उसने अपने महाधनुष समस्त सैनिकों और योद्धाओं को रणभूमि में इस प्रकार आदेश देते हुए कहा, तुम सब लोग मिलकर भीमसेन को मार डालो। उनके मारे जाने पर मैं सारी पांडव सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। आपके पुत्र की इस आज्ञा को सिरधार्य करके समस्त राजाओं ने चारों ओर से बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। राजन राजेंद्र, बहुत से हाथियों, विजय विलासी पैदल मनुष्यों तथा रथियों ने भी भीमसेन को घेर लिया था। नरेश्वर उन शूरवीरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए, शौर्य संपन्न भरश्रेष्ठ भीम नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे, जैसे घेरे से घिरे हुए पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार युद्धस्थल में दर्शनीय नरश्रेष्ठ भीमसेन शोभा पा रहे थे। महाराज, वे अर्जुन के समान ही प्रतीत होते थे, उनमें और अर्जुन में कोई अंतर नहीं रह गया था। तदनंतर क्रोध में लाल आंखें किए वे समस्त शूरवीर भूपाल भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। ये देख भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उन विशाल सेना को वितीर्ण करके उसी प्रकार उसके घेरे से बाहर निकल आए, जैसे कोई कोई मत्स्य पानी में डाले हुए जाल को छेद कर बाहर निकल जाता है। भारत युद्ध से पीछे न हटने वाले 10,000 गजराजों, 2 लाख और 200 पैदल मनुष्यों, 5,000 घोड़ों और 100 रथों को नष्ट करके भीमसेन ने वहां रक्त की नदी बहा दी। जहां रक्त थी उस नदी का जल था रथ भंवर के समान जान पड़ते थे। हाथी रूपी ग्राहों से वो नदी भरी हुई थी। मनुष्य मत्स्य और घोड़े नाकों के समान जान पड़ते थे। सिर के बाल उसमें सेबर और घास के समान थे। कटी हुई भुजाएं बड़े बड़े सर्पों के समान भ्रम उत्पन्न करती थी। वो बहुत से रत्नों को बहाय लिए जाती थी। उसके भीतर पड़ी हुई जांघें ग्राह के समान जान पड़ती थी। मज्जा मंक का काम देती थी। मस्तक पत्थर के टुकड़े के समान वहाँ छा रहे थे। धनुष किनारे उगे हुए काल के समान जान पड़ते थे। बाणों की वहाँ के अंकुर थे। गदा परीख सर्पों के समान प्रतीत होते थे। छत्र और ध्वज उसमें हंस के सदस्य दिखाई पड़ते थे। पगड़ी फैन का भ्रम उत्पन्न करती थी। द्वार कमल कमल बन के समान प्रतीत होते थे। धरती की धूल तरंगमाला बनकर शोभा दे रही थी। योद्धा ग्रह आदि जल जंतुओं से प्रतीत होते थे। युद्ध स्थल में बहने वाली वो रक्त नदी यमलोक की ओर जा रही थी। वैतरणी के समान वो सदाचारी पुरुषों के लिए सुगमता से पार होने योग्य और कायरों के लिए दुष्कर थी। पुरुष सिंह भीमसेन ने क्षण भर में वैतरणी के समान भयंकर रक्त की नदी बहा दी थी। वो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर घोर एवं भीरु पुरुषों का भय बढ़ाने वाली थी। रथियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन जिस जिस ओर घुसते उसी ओर लाखों योद्धाओं का संहार कर डालते थे। महाराज, युद्धस्थल में भीमसेन के द्वारा किए गए ऐसे कर्म को देखकर दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी, आप संग्राम में महाबली भीमसेन को मार डालिए। यदि इनको जीत लिया गया तो मैं समझूंगा कि पांडवों की विशाल सेना ही जीत ली गई। महाराज, तब भाइयों से घिरा हुआ प्रतापी सुबल पुत्र शकुनी महान युद्ध के लिए उद्यत हो आगे बढ़ा। संग्राम में भयानक पराक्रमी भीमसेन के पास पहुंचकर उस वीर ने उन्हें उसी तरह रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को रोक देती है। राजेंद्र, उसके तीखे बाणों से रोके जाते हुए भीमसेन उसी की ओर लौट पड़े। उस समय शकुनी ने उनकी बाई पसली और छाती में सोने के पंख वाले शिला पर तेज किए हुए कई नाराज मारे। महाराज कंक और मयूर के पंख वाले वे भयंकर नाराज महामहर्षि पांडुपुत्र भीमसेन का कवच छेद कर उनके शरीर में डूब गए। भारत तब रणभूमि में अत्यंत घायल हुए भीमसेन ने कुपित हो शकुनी की ओर एक सुवर्णभूषित बाण चलाया। राजन, शत्रु को संताप देने वाले महाबली शकुनी सिद्धहस्त था। उसने अपनी ओर आते हुए उस भयंकर बाण के 60 टुकड़े कर डाले। राजन, उस बाण के धराशयी हो जाने पर भीमसेन ने क्रोधपूर्वक हंसते हुए से एक भल्ल मारकर शकुनी के धनुष को काट दिया। प्रतापी सुवर पुत्र शकुनी ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर बड़े वेग से दूसरा धनुष हाथ में लिया और उसके द्वारा 16 भल्ले चलाए। महाराज, झुकी हुई गांठ वाले उन भल्लों में से 2 के द्वारा शकुनी ने भीमसेन के साथी को और 7 से स्वयं भीमसेन को भी घायल कर दिया। प्रजानाथ, फिर सुवर पुत्र ने एक बाण से ध्वज को, 2 बाणों से छत्र को और 4 बाणों से उनके 4 घोड़ों को भी घायल कर दिया। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीमसेन ने समरंगन में शकुनी पर सुवर्णमय दंडधार लोहे की शक्ति चलाई। भीमसेन के हाथों से छुटी हुई सर्प के सिंह के समान वो चंचल शक्ति रणभूमि में तुरंत ही महामना शकुनी पर जा पड़ी।
राजन क्रोध में भरे हुए शकुनी ने उस सुवर्ण भूषित शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और उसी को भीमसेन पर दे मारा। आकाश से गिरी हुई बिजली के समान वो शक्ति महामनुष्य पांडव पुत्र भीमसेन की बाई भुजा को विदीर्ण करके तत्काल भूमि पर गिर पड़ी। तो शकुनी भी बड़े महारथी थे, ठीक है। महाराज ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने चारों ओर से गर्जना की, परंतु भीमसेन उन वेगशाली वीरों का वो सिंगार नहीं सह सके। राजेंद्र महाबली भीम ने बड़ी उतावली के साथ दूसरा धनुष लेकर उस पर पतंजलि चढ़ाई और युद्ध में अपने जीवन का मोह छोड़कर सुबल पुत्र की सेना को उसी समय बाणों द्वारा ढक दिया। प्रजानाथ पराक्रमी भीमसेन ने स्फूर्ति दिखाते हुए शकुनी के चारों घोड़ों सारथी को मारकर एक भल्ले के द्वारा उसके ध्वज को भी काट दिया। उस समय नरश्रेष्ठ शकुनी उस अश्वहीन रथ को छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए लंबी सांसें खींचता धनुष की टंकार करता हुआ तुरंत भूमि पर खड़ा हो गया। राजन उसने अपने बाणों द्वारा भीमसेन पर सब ओर से बारंबार प्रहार किया, किंतु प्रतापी भीमसेन ने बड़े वेग से उनके बाणों को नष्ट करके अत्यंत कुपित हो उसके धनुष काट डाला और पहने बाणों से उसको घायल कर दिया। बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किया हुआ शत्रुसूदन राजा शकुनी तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसमें जीवन का कुछ कुछ लक्षण शेष था। प्रजानाथ उसे अबिहल जानकर आपका पुत्र दुर्योधन रणभूमि में रथ के द्वारा भीमसेन के देखते देखते अनत्र हटा ले गया। पुरुष सिंह भीमसेन रथ पर ही बैठे रहे, उनसे महान भय प्राप्त होने के कारण धृतराष्ट्र के सभी पुत्र युद्ध के मुंह मोड़कर डर कर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। राजन धनुधर भीमसेन के द्वारा शकुनी के परास्त हो जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन को बड़ा भय हुआ। वो मामा के जीवन की रक्षा चाहता हुआ वेगशाली घोड़ों द्वारा वहां से भाग निकला। भारत राजा दुर्योधन को युद्ध से विमुख हुआ देख सारी सेनाएं सब ओर से दैरत युद्ध छोड़कर भाग चली। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध से विमुख होकर भागते देख भीमसेन कई सौ बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से उन पर टूट पड़े। राजन सम्रांगण में भीमसेन की मार खाकर युद्ध से विमुख हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र सब ओर से कर्ण के पास जाकर खड़े हुए। उस समय महापराक्रमी महाबली कर्ण ही उन भागते हुए कौरवों के लिए दीप के समान आश्रयदाता हुआ। पुरुष सिंह नरेश्वर जैसे टूटी हुई नौका वाले नाविक कुछ काल के पश्चात किसी दीप की शरण लेकर संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार आपके सैनिक कर्ण के पास पहुंचकर परस्पर आश्वासन पाकर निर्भय हो खड़े हुए। फिर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की सीमा निश्चित करके वे युद्ध के लिए आगे बढ़े। नेक्स्ट चैप्टर कर्ण के द्वारा पांडव सेना का संहार और पलायन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा जब कौरव सेनाएं भगा दी गई तब दुर्योधन शकुनी विजय वीरों में श्रेष्ठ कर्ण मेरे अन्य अन्य योद्धा कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा अथवा दुशासन ने क्या किया। मैं पांडुनंदन भीमसेन का पराक्रम बड़ा अद्भुत मानता हूँ कि उन्होंने अकेले ही समरांगण में मेरे समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध किया। शत्रुसूदन राधापुत्र कर्ण ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा कार्य किया। संजय, वही समस्त कौरव योद्धाओं का कल्याणकारी आश्रय कवच के समान संरक्षक प्रतिष्ठा और जीवन की आशा था। अमित तेजस्वी कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा अपनी सेना को भगाई गई देख अधिरथ और राधा के पुत्र कर्ण ने युद्ध युद्ध में कौन सा पराक्रम किया। मेरे पुत्र अथवा महारथी दुर्दश नरसों ने क्या किया। संजय, ये सब वृतांत मुझे बताओ क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। संजय बोले, महाराज, प्रतापी सूत पुत्र ने अपराध काल में भीमसेन के देखते देखते समस्त समूहों का संहार कर डाला। इसी प्रकार भीमसेन ने भी कौरवों की अत्यंत बलवती सेना को मार गिराया। तत्पश्चात कर्ण ने सल्ले से कहा, मुझे पांचालों के पास ले चलो। बुद्धिमान भीमसेन के द्वारा कौरव सेना को भगाई जाती देख रथी कर्ण ने साथी शल्य से कहा, मुझे पांचालों की ओर ले चलो। तब महाबली मद्रास शल्य ने मान वेगशाली श्वेत अश्व को छेदी पांचाल और क्रूस की ओर हाँक दिया। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले शल्य ने उस विशाल सेना में प्रवेश करके जहाँ सेनापति की इच्छा हुई वहीं बड़े हर्ष के साथ घोड़ों को रोक दिया। प्रजानाथ, बैग चर्म से आच्छादित और मेघ गर्जन के समान गंभीर घोष करने वाला उस रथ को देखकर पांडव तथा पांचाल सैनिक त्रस्त हो उठे। तदनंतर उस महायुद्ध में फटते हुए श्वेत और गरजते हुए मेघ के समान उसके रथ का गंभीर घोष प्रकट हुआ। तत्पश्चात कर्ण ने कान तक खींच कर छोड़े गए सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा पांडव सेना के सैकड़ों और हजारों वीरों का संहार कर डाला। संग्राम में ऐसा पराक्रम प्रकट करने वाले उस अपराजित वीर को महाधनुधर पांडव महारथियों ने चारों ओर से घेर लिया। सिकंडी भीमसेन द्रुपद कुमार दृष्टिद्युम्न नकुल सहदेव द्रौपदी के पांचों पुत्र और सात्यकी ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा राधापुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसे सब ओर से घेर लिया। इन सभी ने कर्ण को घेर लिया। उस समय सुरवीर नरसिंह सात्यकी ने रणभूमि में 20 पैने बाणों द्वारा कर्ण के
सुरभि नरसे सात्यकी ने रणभूमि में 20 पहने बाणों द्वारा कर्ण के गले की हंसली पर प्रहार किया। शिखंडी ने 25, धृष्टद्युम्न ने 7, द्रौपदी के पुत्र ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 100 बाणों द्वारा कर्ण को युद्ध में घायल कर दिया। तदनंतर महाबली भीमसेन ने समरभूमि में कुपित और राधा पुत्र कर्ण के गले की हंसली पर झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों का प्रहार किया। तब अधीरथ पुत्र महाबली कर्ण ने हंसकर अपने उत्तम धनुष की टंकार की और उन सबको पीड़ा देते हुए उन पर पहने बाणों का प्रहार आरंभ किया। नरश्रेष्ठ बलश्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण ने 5-5 बाणों से उन सबको घायल कर दिया। फिर सात्यकी का ध्वज और धनुष काटकर उनकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। आर्य तदनंतर क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीमसेन को 30 बाणों से घायल किया और एक भल्ले से सहदेव की ध्वजा काट डाली। इतना ही नहीं, शत्रु को संताप देने वाले कर्ण ने 3 बाणों से सहदेव के साथी को भी मार डाला और पलक मारते मारते द्रौपदी के पुत्र को रथहीन कर दिया। बलश्रेष्ठ वो अद्भुत सा कार्य हुआ, उसने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उन समस्त वीरों को युद्ध से विमुख करके पांचाल वीरों और छेदी देशीय महारथियों को मारना आरंभ किया। प्रजा समर में घायल होते हुए भी छेदी और मत्स्य देश के वीरों ने एकमात्र कर्ण पर धावा करके उसे बाण समूह से ढक दिया। महारथी सुतपुत्र ने पहने बाणों से उन सबको घायल कर दिया। प्रजानाथ समर में मारे जाते हुए छेदी और मत्स्य देश के वीर सिंह से डरे हुए मृग के समान रणभूमि में कर्ण से भयभीत होकर भागने लगे। भारत महाराज, ये अद्भुत पराक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा था कि अकेले प्रतापी सुतपुत्र ने समरांगण में पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने वाले पांडव पक्षीय धनुर्धर वीरों को अपने बाणों द्वारा समरभूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया। भरत नंदन, यहाँ वहाँ महामनुष्य कर्ण की स्फूर्ति देखकर चरणों सहित सिद्धगण और संपूर्ण देवता बहुत संतुष्ट हुए। धृतराष्ट्र के महाधनुधर पुत्र संपूर्ण धनुधरों और रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महाराज, जैसे ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत प्रज्वलित हुई आग सूखे काट और घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार कर्ण शत्रु सेना को दगदग करने लगा। कर्ण के द्वारा मारे जाते हुए पांडव सैनिक रणभूमि में उस मारुति वीर को देखते ही भयभीत हो जहाँ तहाँ से भागने लगे। कर्ण के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा मारे जाने वाले पांचालों का महान अंतर्नाद उस महासमर में गूंजने लगा। उस घोष शब्द से पांडवों की विशाल सेना भयभीत हो उठी। शत्रुओं के सभी सैनिक रणभूमि में एकमात्र कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानने लगे। शत्रुसूदन राधा पुत्र ने पुनः वहां अद्भुत पराक्रम प्रकट किया जिससे समस्त पांडव योद्धा उसकी ओर आंख उठाकर भी देख ना सके। जैसे जल का महान प्रवाह किसी ऊंचे पर्वत से ठहरा कर कई धाराओं में बढ़ जाता है, उसी प्रकार पांडव सेना कर्ण के पास पहुंचकर तितर बितर हो जाती थी। राजन समरांगन में धूमरहित अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले महाबाहु कर्ण भी पांचालों की विशाल सेना को दगदग करता हुआ स्थिर भाव से खड़ा रहा। महाराज, वीर कर्ण ने बाणों द्वारा पांडव पक्ष के वीरों के मस्तक कुंडल सहित कान और भुजाओं शीघ्रतापूर्वक काट डाली। राजन, योद्धाओं के व्रत का पालन करने वाले कर्ण ने हाथी दांत की बनी हुई मुठ वाले खड़ग ध्वजों शक्तियों घोड़ों हाथियों नाना प्रकार के रथों पताकाओं व्यंजनों घूरों जुओं जोतों और भांति भांति के पहियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। भारत, वहाँ कर्ण द्वारा मारे गए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पृथ्वी पर चलना असंभव हो गया। रक्त और मांस की कीच जम गई। मरे हुए घोड़े पैदलों रथों और हाथियों से पट जाने के कारण वहाँ की ऊंची नीची भूमि का कुछ पता नहीं चलता था। कर्ण का अस्त्र जब वेगपूर्वक बढ़ने लगा तो वहाँ बाणों से घोर अंधकार छा गया। उसने अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा परस्पर पहचानने नहीं जाते थे। महाराज, राधा पुत्र के धनुष से छूटे हुए सुवर्णभूषित बाणों द्वारा समस्त पांडव महारथी आच्छादित हो गए। महाराज, समरभूमि में अप्रयत्नपूर्वक युद्ध करने वाले पांडव पक्ष के महारथी राधा पुत्र कर्ण के द्वारा बारंबार भागने को विवश कर दिए जाते थे। जैसे वन में कुपित हुआ सिंह मृग समूह को खदेड़ता रहता है, उसी प्रकार शत्रु पक्ष के पांचाल महारथियों को भगाता हुआ महायशस्वी कर्ण समरांगन में समस्त योद्धाओं को त्रास देने लगा। जैसे भेड़िया पशु समूहों को भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्ण ने पांडवों को खदेड़ना शुरू किया। पांडव सेना को खदेड़ दिया। पांडव सेना को युद्ध से विमुख हुई देख आपके महाधनुर पुत्र भीषण गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। राजेंद्र उस समय दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो हर्ष में भर कर सब और नाना प्रकार के बाजे बजाने लगा। उस समय वहां भागे हुए महाधनुर नरश्रेष्ठ पांचाल मृत्यु को ही युद्ध से लौटने की अवधि निश्चित करके पुनः सुतपुत्र कर्ण से जुझने के लिए लौट आए। महाराज, शत्रु को संताप देने वाले पूर्व श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण उन लौटे हुए सूरवीरों को रणभूमि में बारंबार भगा देता था। भरत नंदन, कर्ण ने वहाँ बाणों द्वारा 20 पांचाल रथियों और 100 से भी अधिक छेदी देशीय योद्धाओं को क्रोधपूर्वक मार डाला। भारत, उसने रथ की बैठक के सुनी कर दी, घोड़ों की पीठें खाली कर दी, हाथियों के पीठों और कंधों पर कोई मनुष्य नहीं रहने दिया और पैदलों को भी मार भगाया।
इस प्रकार शत्रु को तपाने वाला कर्ण मध्यकाल के सूर्य की भांति तप रहा था। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो गया था। सूरवीर सूत पुत्र का शरीर काल और अंतक के समान सुशोभित हो रहा था। महाराज, इस प्रकार शत्रुसूदन महाधनुर कर्ण शत्रु पक्ष के पैदल घोड़े रथ और हाथियों का श्रृंगार करके अविचल भाव से खड़ा रहा। जैसे समस्त प्राणियों का श्रृंगार करके काल खड़ा हो, उसी प्रकार महाबली महारथी कर्ण सम्मुखों का विनाश करके युद्ध भूमि में अकेला ही डटा रहा। वहाँ हम लोगों ने पांचाल वीरों का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वे मारे जाने पर भी युद्ध के मुहाने पर कर्ण को छोड़कर पीछे न हटे। राजा दुर्योधन, दुःशासन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, महाबली शकुनी ने भी पांडव सेना के सैकड़ों हजारों वीरों का संहार कर डाला। राजेंद्र, कर्ण के दो सत्यपराक्रमी पुत्र शेष रह गए थे। कर्ण के दो ही पुत्र बचे थे। वे दोनों भाई क्रोधपूर्वक इधर उधर से पांडव सेना का विनाश करते थे। इस प्रकार वहाँ महान संहारकारी एवं क्रूरतापूर्ण भारी युद्ध हुआ। इसी तरह पांडव भी धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि ने भी कुपित होकर आपकी सेना का संहार किया। इस प्रकार कर्ण को पाकर जहाँ था पांडव सेना का संहार हुआ और महाबली भीमसेन को पाकर रणभूमि में आपके योद्धाओं का भी महान विनाश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अर्जुन का कौरव सेना को विनाश करके खून की नदी बहा देना और अपना रथ कर्ण के पास ले चलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहना, और श्री कृष्ण अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा कौरव सेना का विध्वंस।